दारू पार्टी कर रहे आपस में ही युवकों ने जमकर की एक दूसरे के साथ मारपीट। बाद में एक युवक ने अपने ही गोली मार कर क्रॉस केस बनाने का किया प्रयास। जानकारी के अनुसार मेरठ के थाना लिथली गेट क्षेत्र के साझा कॉलोनी नंबर 6 में सलीम उर्फ छोटन ने अपने आप को गोली मार कर घायल कर दिया। मोहल्ले वासियों का कहना है कि सलीम उर्फ छोटन ने अपने आप को ही गोली मार कर घायल किया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जानकारी ली। लोगों ने बताया कि शाम 5 बजे सरताज और बरबू आपस में शराब पी रहे थे, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। वहीं बराबू ने अपने 4 अज्ञात साथियों को बुलाकर सरताज के साथ मारपीट शुरू कर दी। किसी तरह सरताज ने वहां से भाग कर जान बचाई। एक झगड़े की सूचना पर सलीम उर्फ छोटन ने आपस में बीच बचाव करा दिया, लेकिन शाम करीब 6 बजे सलीम उर्फ छोटन ने अपने ही घर जाकर कई राउंड फायरिंग की, जिसमे गोली सलीम उर्फ छोटन ने अपने ही मार ली। काफी समय तक सलीम उर्फ छोटन घायल स्थिति में गली में ही पड़ा रहा। सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। कुछ मोहल्ले वासियों ने सलीम को घायल स्थिति में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। सूचना पाकर एसपी सिटी विनीत भटनागर भी मौके पर पहुंचे और सलीम उर्फ छोटन के घर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। एसपी सिटी ने बताया कि अभी तहरीर नहीं आई है, तहरीर के आधार पर ही सत्य को जागरूक किया जाएगा। पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है।